मैं प्रभात कुमार बालाजी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी तक फिटर के द्वितीय वर्ष के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में वीडियो बना रहा था, उसमें अब हमारा एक टॉपिक है आ गया है मैथ का टॉपिक क्षेत्रमिति। ठीक है, इसके लिए आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन। बहुत और इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कई प्रकार के इसमें होते हैं, अनियमित आकृति के क्षेत्रफल, नियमित आकृति के क्षेत्रफल, ठोस आकृति के क्षेत्रफल, द्वि टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तो कई प्रकार के इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग विभिन्न विभिन्न आकृतियों के। और कुछ आकृति ऐसी होंगी जो अनियमित होंगी, मतलब जैसे कि हम बात करें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस टाइप से प्रश्न आता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पर वर्क करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में त्रिभुज, अभी हम बात कर रहे हैं पहला टॉपिक है त्रिभुज, अभी हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल। ठीक है, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता होगा। त्रिभुज के प्रकार, नंबर एक समभाहु त्रिभुज, विषमभाहु त्रिभुज, समद्विभाहु
के लिए परिमाप ज्ञात करने के लिए सही गुणा का योग, परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a b और c ये तीन भुजा है और तीन भुजा इसकी दूरी है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजा हो, परिमाप ज्ञात करने चार चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो सही गुणा का योग होता है। इसका जो फॉर्मूला है आधा गुणा हो जाए। क्षेत्रमतीय संबंधित भाग ए
कंप्लीट हुआ है और हम इसी प्रकार के क्षेत्रमति संबंधित 4 से 5 वीडियो हमारे भाग होंगे और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आज हमने बात करी है त्रिभुज, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उन त्रिभुजों की विशेषताएं और फॉर्मूले, इन पर आप क्वेश्चन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको और प्रकार की जो वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर चल रही हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। सुझाव के लिए कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।